लहसुन गिर गया, क्या बोला? वही अपना पीछे रखे थे लहसुन सब करके, अच्छा, हाँ। सब्जी खरीदे थे, लहसुन गिर गया। अच्छा नाम बोले हम सुने नहीं, तो हम बोले कि सुनिए ऐसा है कि डिक्की तो बुलेट में भी नहीं लगता है, क्या लगे फिर भी लग रही लगवाए हैं, तो आप लगवाना चाहें तो कहीं भी लगवा सकते हैं डिक्की। तब क्या बोले? तो ना उसमें लगता ही है, हम बोले फिर फालतू वाला बात नहीं कीजिए, कहीं भी लग सकता है डिक्की, डिक्की सही में लगवा लीजिए। बोल रही है आपकी फुआ तो सुन लीजिए, सामान अगर खरीदते हैं सामान उसमें रहेगा, जा रहा है पैसा जा रहा है। अब एक बार ये लोग यहाँ से दिए थे ये क्या बोलते हैं वो पैक जो बनता है, अच्छा प्लेट बिरयानी वाला, हाँ गिरा दिए, गिरा दिए ही गिरा, हाँ वही आ जाए तो गिरा, मतलब कि 150 ना, अच्छा 150 और दो तीन लहसुन वसुन का इतना कितना लगेगा, कितना गिरा गिरा का पैसा जाएगा। उसी पर वही बोले हम लोग इधर एक बुलेट में लगता है, हम लोग कौन बोल गया बुलेट के किसी कोना में नहीं लगता है, हमको यही बताया, हम बोले हम लगवाए हैं स्पेशल। तब उसके बाद हम नीचे उतरे तो हम बोले कि देखे जरा कौन सा बाइक के ऊपर है, तुम लोग हैं मैंने ऊपर नहीं अभी ना, तो देखे पहले यहाँ पर यहीं पर लगी थी, ये रौनक में आ गई है क्या? हाँ अभी आई, तो वहाँ पर रखे थे, हम ढूंढ रहे थे हम इसका हैंडल किधर चला गया, तो छोटा सा हैंडल ऐसे करके है अंदर में, और पूरा गाड़ी उसका हैंडल बहुत छोटा है अंदर की ओर है, मतलब ऐसे चलाने वाला है, झुक कैसे झुक के आ जाएगा गाड़ी के बात कर रहे हैं। और डिक्की का ना कहने की डिक्की में हम कहने की डिक्की कहीं निकाल लगा ले, नहीं चाची ऊपर से आवाज दे रही थी, कौन कौन लड़का था, कौन लड़का था? हम घुमा के देखा गड़िया ऐसे घूम के देखा, तो हमको लगा ना कि अजय है, तब फिर हम बोले नहीं कुछ, वो चला गया, तब फिर आया थोड़ी देर बाद लहसुन फिर खरीद लाया, फिर वही हम बताते रहे, तब देखा नहीं कितना छोटा सा हैंडल, हम कहने की कौन बाइक भाई, तो तब से परेशान है कि बोले क्या था कौन बाइक, आप कौन है, उसका हैंडल इनविजिबल है, हां इनविजिबल है, गाड़ी में चढ़ते ही मतलब ऐसे ऐसे करके चढ़ गया और ऐसे करके भैया गाड़ी में चढ़ते ही टार्जन की तरह मतलब निकल जाता है, ऐसा है छोटा सा हैंडल है, छोटा सा हैंडल है, और खत से आई गाना रखा हुआ था गुना मुनी पड़ा था, हमको लगा कि आप फंस गए, क्या चीज क्या बोलते हैं फिर हाँ? नहीं आप जैसे बोले उधर से निकाल दिए, तो उधर से नहीं है उधर से, लेकिन हम रोड भी निकाल के लेके आए थे, हम लोग ट्राई मारने गए थे कि चलो देखते हैं इधर से, इधर चलो तो देखते हैं कोई खड़ा है कि उधर खड़ा रहता था पहले, अच्छा खड़ा रहता था, हाँ तो अब नहीं है, अच्छा दोपहर में देखते हैं कि शायद नहीं रहता है ना वहाँ, तो उस दिन हम लोग निकले तो सही में कोई नहीं है, हम आपको वही बोले ट्राई मारिए तो उधर से शायद, पहले तो हम हड़बड़ा के स्लिप भी तो लेना था, नहीं हड़बड़ा के हम आगे तक ले गए, गोडाउन नहीं है वो बाई साइड उस पार में, हाँ रोड के पार ले गए, मुझे कहीं कहीं बाई साइड कोई खड़ा तो नहीं, तब फिर लेके घूम के तो देखे नहीं है, तब फिर हाँ तब बेकार है, आपको इतना पैसा दे दीजिए, बहुत सारा काम होता रहता है, एडवांस लेगा अभी बुलेट आपको धो के ढक नहीं है, अच्छा खबर कहाँ है उड़ा मत दीजिएगा, खेतों में बार बार धो के टांगते हैं, बार बार यहाँ आंधी में उड़ जा रहे हैं, नहीं उसको अब क्या कीजिएगा, आप बांध देंगे, आइडिया दे रहे हैं झाड़ देना है अच्छा से, या धोइएगा भी नहीं, इस दो कुर्सी जो है दो कुर्सी उस पर ऐसे करके फैला दीजिएगा, तुरंत में यहीं पर सूख जाएगा, यहाँ फैला दें यहाँ से कुर्सी में, हवा में कुर्सी जानते हैं ऐसे ऐसे उलट पलट होता है हवा में, वहाँ रहता है तो उलट के वहाँ गेट के पास पहुँच जाता है आंधी में, इसीलिए कुर्सी बाहर रखे थे, तो उस दिन अंदर यहाँ पे खड़ा हम नहीं हो पाता, हमको लगता है हम ही उड़ जाएंगे, हाँ वो इतना ज्यादा पेड़ गिरा हुआ था, इतना ज्यादा मतलब जानते हैं कहाँ पेड़ गिरा है, एडीएम के आगे बढ़िएगा ना, एडीएम का जो नहीं है लेक रोड देखे हैं जानते हैं ना, लेक रोड एडीएम बिल्डिंग, एडीएम के आगे चौक है उसको लेक रोड बोलते हैं, लेक लेक लेके लेक वहाँ पर तालाब है इसीलिए लेक रोड चल जाता है सेक्टर 1, उसके और थोड़ा सा आगे बढ़ते ना तो बड़का वो पेड़ ना इनको तोड़ दिया था गिरते हैं, क्या बोलते हैं उसको जो डाइवर्जन है ना पड़ा हुआ उसका लोहा का तोड़ दिया था, उस दिन हम गए थे जिस दिन ओम को लाने के लिए, अच्छा स्टेशन स्टेशन मतलब नया मोड़ ही गए थे उसने, नया मोड़
हम कितना भारी सामान यहाँ पे हम टांगते हैं वहाँ हो जाता है, इसीलिए अभी आंधी चल रहा है, इसीलिए बोल रहे थे उसको जो है ना कि धो देंगे तो बांध बांध देना चाहिए, डायरेक्टली बांध दिया जाएगा, सुन जाएगा उसी में झाड़ के, इसी में अगर तीन पे अटकेगा तो पसंद नहीं करेंगे। एक एडवाइस चाहिए था मैम, 2014-15 में मेरा भाई एडमिशन लिया था RIT कोडरमा में, RIT रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राम गोविंद में सर, कोडरमा में जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, अच्छा कोडरमा में, तो हम लोग का तो कोई मतलब फाइनेंशियल कंडीशन वैसा तो है नहीं कि हम इंजीनियरिंग में कॉलेज में दाखिला ले सकते, नहीं नहीं क्योंकि सहारा के जो जो बेसिक चीज है उसको हम जानते हैं ना, इसलिए हम बोलेंगे, और आज तक थोड़ी है, हम जब से अपना हम होश संभाल रहे हैं तब से शायद हम सहारा देख रहे हैं। देखिए मैडम बात ये है कि हमारे वो साथी श्री राम भटकम है, रिटायर किए हैं, तो EMIS में 30 लाख रुपये डाल गए, इधर हमको ये चीज भरना पड़ेगा, सब जोड़ के लेके देंगे, सब जोड़ के देंगे, एक एक दिन का इंटरेस्ट सहारा देगा, एक एक दिन का इंटरेस्ट। देखिए आपको रहे तो जैसे मिल जाता तो ठीक है, नहीं पक्का मिलेगा पक्का, अब तो सरकार इस पर काम कर रही है, सरकार सेवी के साथ करके इसको पैसा जो सीज किया है वो देगा, लगता है टोटल तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सहारा का कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं है, एकमात्र ये बैंक है जो की भारत में पारा बैंकिंग है, कुछ परसेंटेज है वो RBI के पास रखा है, इंडिया में मदद किया, जितना ये क्रिकेट वगैरह होता था यही फिनांस करता था सारा, जर्सी से लेकर सारा किया, तो बहुत संपत्ति इसके पास आज भी है, सहारा का पैसा ना दूंगा, इसे एजेंट लोग बड़ा बड़ा आदमी बन गया, बाप मेरा एक एजेंट है सहारा के एजेंट, उनका आज से 25-30 साल पहले ना आता था 15 लाख रुपए।
परेशान मंथली 15,000 रुपया कमीशन मंथली अभी है एसडी दूर है उस टाइम हम लोग यहाँ बाबू